नमस्कार। शुरुआती नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पेशाब में अगर आपको कोई जलन या किसी तरह का रोग या किसी तरह का बार बार पेशाब आना, इस तरह की अगर चीजें हैं तो उसके कुछ देसी नुस्खे हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जिसको आप अपने जीवन में अमल में ला सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी आपके जानने वाले को कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, बबूल की कच्ची छाया, जी हाँ, बबूल की कच्ची जो फलियां होती हैं उसको छाया में सुखाइए और फिर उसे महीन पीस लीजिएगा और देसी घी में उसको भून लीजिएगा और उसके समान मात्रा की मिश्री उसमें डालकर आपने मर्ज करके एक पाउडर जैसा बना लिया है, उसको सुबह शाम चार चार ग्राम, याद रखिएगा, चार चार ग्राम गर्म दूध के साथ अगर आप मरीज को देते हैं तो उसका बार बार पेशाब आना या बार बार मूत्र आना या बिस्तर पर पेशाब हो जाना, ये समाप्त हो जाएगा। आप इसको देखिए, आप इसको देखे देखिए, आपको इससे आराम मिलेगा। अगर किसी को पेशाब में जलन हो तो उसे आंवले का रस 100 ग्राम शहद और 50 ग्राम, जी हाँ, मतलब आंवले का रस 100 ग्राम और 50 ग्राम शहद, इन्हें मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से पेशाब खुलकर आएगा और जलन ठीक हो जाएगी। अब 100 ग्राम शहद और 100 ग्राम आंवले का रस और 50 ग्राम शहद, इन्हें मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से, अब एक ही बारी में पूरा नहीं करना है, इसका थोड़ा थोड़ा सेवन करना होगा, तो धीरे धीरे आप करेंगे तो इससे पेशाब की जलन ठीक हो जाएगी। अगर आप में पेशाब की जलन है तो आप तुलसी की पत्ती को चबाते हैं तो उससे भी आपकी पेशाब की जलन ठीक हो सकती है। पेशाब में अगर आपके खून आता है, ब्लड आता है, तो उसके लिए एक करेला 50 ग्राम पानी में पीसकर 5 दिन दोपहर में मिर्च, खटाई और गुड़ ना खाएं। 50 ग्राम करेला पानी में पीसकर 5 दिन दोपहर में लें और उसके ऊपर से मिर्च, खटाई, गुड़ ना खाएं तो आपके पेशाब में जो खून आता है वो आना बंद हो जाएगा। अगर आपका मूत्र रुकता है, प्रॉपरली नहीं आ रहा है और आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, तो मक्का के भुट्टों के सुनहरे बाल, जी हाँ, मक्का के भुट्टे होते हैं ना, उसके जो सुनहरे बाल होते हैं, उन बालों को आप 20 ग्राम से 250 ग्राम जल में उबाल लें, 20 ग्राम सुनहरे बाल लें और उनको 250 ग्राम जल में उबाल लें और उतना उबाल लें जब तक वो 250 ग्राम जल 50 ग्राम ना रह जाए। उसके बाद क्या करना है आपको, उसको छान कर ठंडा कर लें और उसको अगर आप मरीज को पिलाते हैं तो आप ये मान के चले कि उसका मूत्र जो है प्रॉपरली आएगा, साफ आएगा और दिक्कत नहीं होगी। अरंड का तेल 20 ग्राम गर्म पानी में मिलाकर पीने से 10 से 15 मिनट में पेशाब का जो बंद है वो खुल जाता है। अगर किसी को पेशाब की प्रॉब्लम है और पेशाब आ नहीं रहा है तो अरंडी का तेल 20 ग्राम गर्म पानी में मिलाकर दे दीजिएगा, उसको पेशाब जो उसका रुका हुआ है वो आ जाएगा। और अगर किसी का पेशाब कम आता है, दो छोटी इलायची को पीसकर फांक ले दूध के साथ, पेशाब खुल कर आएगा और मूत्रधा भी बंद हो जाता है। जौ, उसका जो पानी होता है ना, जौ का पानी, नारियल का पानी, गन्ने का रस और कुल्थी का पानी विशेष सहायक है। रात में तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी भी आपके लिए बहुत लाभदायक है। और आप अगर भोजन के उपरांत हरा धनिया मिलाकर छाछ पीते हैं वो भी आपकी पेशाब के रोगों के लिए बहुत अच्छा है। और अगर बार बार पेशाब किसी को आता है तो 60 ग्राम भुने हुए चने आप अगर खाते हैं, खासकर बूढ़े लोगों को, तो उनको बार बार पेशाब नहीं आएगा। तो मैंने आज आपको बताया कि पेशाब से संबंधित रोगों के लिए कुछ घरेलू नुस्खे, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें लाइक्स कीजिएगा, आपकी शेयर का और आपकी टिप्पणियों का हमें इंतजार रहता है।
मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे प्रोग्राम्स आप पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।